नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो संत श्री दादो दयाल जी के ऊपर है, जिन्हें बहुत से लोग जानते ही होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। संत दादो दयाल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, अहमदाबाद में। पहले दादू दयाल का नाम महाबली था। पत्नी की मृत्यु के बाद ये सन्यासी बन गए। अधिकतर ये सांभर और अजमेर में रहने लगे। फतेहपुर सिकरी में ये नारायण में रहने लगे थे। 1603 में वहीं पर इन्होंने अपने देह का त्याग किया। दादू दयाल के 52 शिष्य थे। इनमें रज्जब, सुंदरदास, जन गोपाल प्रमुख थे, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षाएं लोगों तक फैलाई। इनकी शिक्षाएं दादूवाड़ी में संग्रहित हैं। दादू दयाल ने बहुत ही सरल भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। इनके अनुसार ब्रह्मा से ओंकार की उत्पत्ति और 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। माया के कारण ही आत्मा और परमात्मा के बीच भेदभाव होता है। दादू दयाल ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को बहुत आवश्यक बताया है। अच्छी संगति, ईश्वर का स्मरण, अहंकार का त्याग, संयम एवं निर्भीक उपासना ही सच्चे साधन हैं। दादू दयाल ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आडंबरों को, पाखंडों को एवं सामाजिक भेदभाव का बहुत खंडन किया था। जीवन में सादगी, सफलता और निश्चलता पर विशेष बल दिया था। सरल भाषा एवं विचारों के आधार पर दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। संत दादू जी विक्रम संवत 1625 में सांभर में पधारे। यहाँ उन्होंने मानव के भेद को दूर करने वाले सच्चे मार्ग का उपदेश दिया। तत्पश्चात दादू जी महाराज आमेर पधारे तो वहाँ की सारी प्रजा और राजा उनके भक्त हो गए। उसके बाद वे फतेहपुर सिकरी भी गए, जहाँ पर बादशाह अकबर ने पूर्ण भक्ति व भावना से दादू जी के दर्शन कर उनके सत्संग व उपदेश को ग्रहण किया। जो अकबर था उसके बाद से 40 दिनों तक दादूजी का सत्संग और उपदेश ग्रहण किया था। दादूजी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य में गौ हत्याबंदी का फरमान तक लागू कर दिया था। दादू दयाल ने नरेना जिला जयपुर पधारे। यहाँ के इसके जो सत्संग के बाद से ये नरेना जिला जयपुर पधारे और उन्होंने इस नगर को साधना, विश्राम तथा धाम के लिए चुना और यहाँ एक खेजड़े के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर लंबे समय तक तपस्या की और आज भी खेजड़ा जी के वृक्ष के दर्शन मात्र से तीनों तापों का नाश होता है। यहीं पर उन्होंने ब्रह्मधाम दादो द्वारा की स्थापना की, जिसके दर्शन से आज भी कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तत्पश्चात श्री दादू जी ने सभी संत शिष्यों को अपने ब्रह्मलीन होने का समय बताया था। ब्रह्मलीन होने के लिए निर्धारित दिन ज्येष्ठ कृष्ण संवत 1660 के शुभ समय में श्री दादू जी ने एकांत में ध्यानमग्न होते हुए सत्यराम शब्द का उच्चारण कर इस संसार से ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। श्री दादू जी महाराज के द्वारा स्थापित दादू पंथ व दादू पीठ आज भी मानव मात्र की सेवा में निर्विघ्न लीन है। वर्तमान में दादू धाम के पीठाधीश्वर के रूप में आचार्य महंत श्री गोपाल दास जी महाराज विराजमान हैं। दादू जी के परिवार का संबंध राजदरबार में नहीं था। तत्कालीन इतिहास लेखकों और संग्रहकर्ताओं की दृष्टि में इतिहास के केंद्र राजघराने ही हुआ करते थे। दादू दयाल के माता पिता कौन थे और उनकी जाति क्या थी, इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद है। लेकिन संतों की जाति से क्या मतलब है, हमें तो उनके दिखाए रास्ते पर चलना है, उनके उपदेशों को ग्रहण करना है। लेकिन फिर भी जानने वाले इन सब बातों को जानने का इच्छा प्रकट करते हैं। तो प्रामाणिक जानकारी के अभाव में ये मतभेद विद्वानों में अनुमान के आधार पर बने ही हैं। एक लोक कथा है, उसके अनुसार तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि कबीर की तरह ही दादू दयाल भी थे और ब्राह्मणी महिला की संतान थे जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। तो इस कारण से कहीं बदनामी ना हो जाए, दादू जी को वो महिला साबरमती नदी में ही प्रवाहित कर दिया। बाद में इनका लालन पालन एक धुनिया परिवार में हुआ। इनका पालन लोदीराम नाम के एक नागर ब्राह्मण परिवार ने किया था।
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनकी माता का नाम बसीबाई था और वह ब्राह्मणी थी। यह किंवदंती कितनी सही है और किस समय से प्रचलित है इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। हो सकता है कि इसको बाद में गढ़ लिया गया हो और आचार्य क्षितिज मोहन सेन ने इनका संबंध बंगाल से भी बताया है। तो तमाम विद्वानों ने अपने अपने मत इनके लिए प्रकट किए हैं जिसका अभी तक कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। और ये आचार्य क्षितिज मोहन जी के अनुसार दादू दयाल एक मुसलमान थे और उनका पालन वही हुआ था। दादू के जीवन की जानकारी दादू पंथी राघोदास और दादू के शिष्य जन गोपाल द्वारा रचित श्री दादू जन्म लीला पर्ची में भी मिलता है। दादू दयाल अपना शरीर जेठवदी अष्टमी शनिवार 1660 को छोड़ा था। जन्म स्थान में मतभेद की गुंजाइश हो सकती है लेकिन यह तय है कि इनकी मृत्यु अजमेर के पास नराड़ा नामक गांव में हुई थी। वहां पर दादू द्वारा बना हुआ है। इनके जन्मदिवस पर वहां हर साल मेला भी लगता है, लोग बताते हैं। चाहे जो भी हो, हमें संतों के जीवन से शिक्षा को ही ग्रहण करना चाहिए, इसी पर अधिक बल देना है। उनकी शिक्षाओं पर ही हमें ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते रहना है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए या मेल करिए। धन्यवाद।